परमात्मा की कुदरत बहुत विशाल है। परमात्मा की कुदरत का कोई अंत नहीं पा सकता। जेडे उदा नाम जपते हैं उदी कुदरत का भेद उही पा सकते हैं। परमात्मा हमेशा अपने भगतों की रखता है, अपने भगतों की रक्षा हमेशा करता है। परमात्मा अरदास जे दिलों की जाए परमात्मा जरूर सुनता है। वह तो बिना बोले ही सब कुछ जानता है। दिलों अरदास करिए फिर बोलन की लोड़ नहीं पैंदी। धन गुरु रामदास महाराज जी के दरबार की सिफत सारा संसार करता है। धन गुरु रामदास जी के दर पर जाके कोई अरदास करे रब उहदी अरदास जरूर सुनता है। आखिरकार गल सिर्फ विश्वास की है, साडा विश्वास किन्ना को है। अज तुहाडे नाल एक बड़ी अनोखी ते चमत्कारी घटना बारे आपां विचार करनी है। आप जी सुन के तुहाडे मूँह चो अपने आप ही धन गुरु रामदास निकल आवेगा। अज आपां गल करन लगे हाँ मजीठा दे रहण वाले एक सरदार परमजीत सिंह। मजीठा दे रहण वाले सरदार परमजीत सिंह जिन्हां कोल सिर्फ ते सिर्फ 6 किले जमीन सी ते धन गुरु रामदास जी च बड़ी श्रद्धा रखते सी। हर साल अपने घर धन गुरु रामदास जी का प्रोग्राम करवाउंदे सी। याद विच महाराज जी का नाम जपते सी। सुखमनी साहिब सहज पाठ करवाउंदे ही सी। हर साल उन्होंने सहज पाठ करवाउणा ही करवाउणा, लंगर लाउणा, संगतां दी सेवा करनी। बड़ा अथाह प्रेम सी धन गुरु रामदास जी के चरणों का। धन गुरु रामदास जी का शुकराना समागम हर साल करवाउंदे सी। 6 किले जमीन होवे ते 25-25 लाख दीआं गड्डियां घरे खड़ियां होण, आलीशान घर होवे ते बड़ा औखा जिहा प्रतीत हुंदा वी 6 किल्यां चों इन्नी कमाई किवें होगी। समागम ते इक उहनां दे घर गुरसिख आया ते गुरसिख ने पुछ लिया वी तुहाडा कारोबार की है। उह कहिंदे साडा कारोबार तां खेतीबाड़ी ही है। उह कहिंदे तुहाडे कोल जमीन फिर वाहवा होणी है, काफ़ी जमीन जायदाद होणी है, काफ़ी खेत होणगे। उह कहिंदे नहीं, साढ़े कोल तां सिर्फ 6 किले जमीन है। वह कहिंदे फिर इन्नियां गड्डियां कारां महंगियां, इन्ना आलीशान घर कित्थों बनाया तुसीं? ते वह अगों सरदार परमजीत सिंह कहन लगे ये तां धन गुरु रामदास जी की कृपा है, दया है, उन्होंने मेहर की है। वह फिर सारी अपनी कहानी दसदा है। सरदार परमजीत सिंह अपनी कहानी सुनाउण लगे ते अखां विच अथरू आ गए ते कहन लगे तां धन गुरु रामदास जीआं दीआं दातां ने। कहिंदा साडे कोल 6 किले जमीन सी, असीं मसां मसां गुजारा ही करदे सी। साडा जदों पुत्तर जवान होया असीं बाहरले देश नूं तोरन बारे सोचिया। असीं 22 लाख रुपए एजेंट नूं दित्ते, 22 लाख ला के असीं बच्चे नूं सोचिया वी बाहरले देश भेज दईए। एजेंट 22 लाख रुपए लेके फरार हो गया, भज गया। साडा 22 लाख फस गया ते साडा बच्चा मलेशिया दे राह विच ही रह गया, उत्थे फस गया बच्चा। हुण लड़के की जान बचाउणी भी बहुत जरूरी सी, इसलिए 2.5 लाख रुपया होर करजा लेता। उन्हूं वापस लियाउण लई 2.5 लाख रुपए होर खर्चा आया। दिल ते दिमाग कम छड के शरीर भी साथ देणों हट गया। ऐ लगदा सी जिवें कुछ हो गया, बड़ा गहरा सदमा लग्या सानू। हुण तां जी करदा सी मरी जाइए, अपनी जीवन लीला नूं समाप्त ही कर लईए। सरदार परमजीत सिंह कहिंदा धी मेरी विआहुण वाली सी ते 25 लाख तो उपर साढ़े उपर करजा सी ते करजे वाले घर विच कौन रिश्ता करता है। बड़ी चिंता, बड़ा दुख, बड़ा करजा। करजे की चिंता विच कहिंदा मैं इन्ना डुब गया, मेरा जी करे मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लवां ते मैं सचमुच अपने आप नूं खत्म करन लई घरों तुर पिया। चलो मन विचों ने सोचा भी क्यों ना एक दिन पहला आपां धन गुरु रामदास जी के दर्शन कर आईए। श्री अमृतसर साहिब दरबार साहब जाण बारे सोचिया, तुर पिया। धन गुरु रामदास जी के चरणों पास गया, मत्था टेकिया, कीर्तन सुनिया, प्रसाद लेता, देग लेती ते लंगर छक के वापस मुड़न लग्या ते धन गुरु रामदास जी के दरबार वल मुख करके अरदास कीती, ऐ सच्चे पातशाह अज मैं अपने सारे परिवार नूं तेरे आसरे छड चलिया, कृपा कर हुण तू ही राखा है, मैं तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लग्या क्योंकि करजा ही इन्ना है, चिंता इन्नी हो गई है। जदों मैं मर गया मेरे मगरों आपे आपदे आप नूं उह सांभदे फिरनगे। रो रो के अरदास कीती, अरदास करके बस स्टैंड वल नूं चल पिया। परमजीत सिंह बस अड्डे वल पहुंचिया ते इक उहदे कोल बंदा आया, उह कहिंदा सरदार जी लॉटरी पा लो।
सरदार जी लॉटरी पा लो। परमजीत सिंह ने गुस्से च आके उन्होंने कहा भी मैं नहीं पाउनी लॉटरी, तू परे चल, मैनू तंग ना कर। इन्ने नू परमजीत बस में जाके बह गया। जदों बस में बैठा तो वह फिर आ गया वापस, कहिंदा सरदार जी लॉटरी ले लो। वो कहिंदा भी मैं अगे बहुत तंग हाँ, मैं बड़ा परेशान हाँ, तो तू मैनू होर तंग ना कर। वह जिहड़ा लॉटरी वाला सी उहने इन्ना धक्के नाल उहदे हत्थ विच लॉटरी फड़ा दित्ती। सरदार जी जे परेशान हो तो कोई गल नहीं, तुसीं लॉटरी रख लो, पैसे भावें ना दिओ। वह कहिंदा सरदार जी जे लॉटरी निकल आई तो मेरे पैसे दे दिओ, ना निकली तो रहण दिओ। इन्ना कह के वह लॉटरी वाला चला गया। हुण परमजीत सिंह ने वह लॉटरी अपनी जेब विचों कढ़ी, वह टिकट सोचदा इशारा है कोई, लॉटरी वेख्या 2 करोड़ वाली लॉटरी है, लगता कोई इशारा है कोई कारण है। वह लॉटरी वाली टिकट लैके अपने किसी दोस्त को चलिया गया। वह अपने दोस्त को पहुँचा, वह वैल्डिंग का काम करता सी, वैल्डिंग की दुकान सी। उन्हें जाके लॉटरी टिकट दिखाई, उहदा दोस्त कहिंदा भी मैनू इस बारे कुछ नहीं पता, नाल एक दुकान है अखबारों वाली उत्ते जाके पता कर। वह अखबारों वाली दुकान पर गया, उन्होंने लॉटरी देख के दसिया भी ये 2 करोड़ वाली लॉटरी है, तो यदा जिहड़ा रिजल्ट है वह हर मंगलवार को आता है, 2-3 दिन रुक जावो, मंगलवार को यह रिजल्ट आएगा, असीं तुहानू दस देवांगे। हुण परमजीत सिंह सोचता शायद ये कोई इशारा है। जिहड़ा हुण मरन चलिया सी ख्याल बदल के रुक गया। थोड़े दिनों बाद जिद रिजल्ट आया, वह टिकट लैके उस दुकान पर वापस पहुँच गया। पहुंचया जाके वेख्या कि दुकानदार अपनियां टिकटां दे नंबर मिला रहा सी। कुछ समा तक वह अपनियां टिकटां दे नंबर मिलाउंदा रहा आपस दे विच। काफ़ी टाइम बाद फिर सरदार जी वल देख के कहिंदा लियाओ सरदार जी तुहाडी टिकट, हुण तुहाडा नंबर भी मिला के वेखदे आं। जदों उहने सरदार परमजीत सिंह दी टिकट दा नंबर मिलाया, मिलाउंदिआं सार सरदार परमजीत सिंह नूं कहिंदा सरदार जी पाणी पी लवो। परमजीत सिंह कहिंदा भी की गल हो गई? कहिंदा सरदार जी तुहानू 2 करोड़ की लॉटरी लग गई है, तुहाडा नंबर निकल आया है, तुहानू 2 करोड़ की लॉटरी निकल आई है। इन्ना सुन के सरदार परमजीत सिंह दे अखां विचों हंझू बह पए, अथरू बह पए, बड़ा बैराग विच आया, बड़ा रोया। सरदार परमजीत सिंह ने फिर दस्या अपने दोस्त नूं वी उहनू 1,86,00,000 रुपए लॉटरी दी मिली। किवें? कहिंदा मैं धन गुरु रामदास जी का शुकराना करां, मैं उहदा कर्ज़ अदा नहीं कर सकता, सच्चे पातशाह का मैं तो शुकराना ही कर सकता, तो वह भी चंगी तरह अदा नहीं कर सकता। परमजीत सिंह कहन लग्या भी मैनू पहला, सब तो पहला मैं अपना कर्जा उतारिया, फिर घर बनाया, तो फिर मैं हर साल उन्हों का शुकराना समागम करवाना है, तो कुछ पैसे मैं दान भेटा भी करदा। बाकी परमजीत कहिंदा भी मेरे को अकाउंट में अजे पैसे पए नहीं, तो मैं अजे कोई जमीन नहीं खरीदी। साध संगत जी, इसका मतलब यह नहीं है कि आप लॉटरी पाना शुरू कर दिए, गुरमत विच बिल्कुल मनाही है, लॉटरी नहीं पानी चाहिए। सिक्ख्या ये साखी तो यह सिक्ख्या नहीं मिलती कि लॉटरी पाइए, बिल्कुल नहीं लॉटरी पानी, ये तो आपां तां विचार कीती है कि धन गुरु रामदास जी के चरणा पास की गई अरदास कदे बिरथी नहीं जाती। साध संगत जी, धन गुरु रामदास चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, लाइक कमेंट करके अपना प्यार ते आशीर्वाद जरूर दिओ, कमेंट विच जाके वाहिगुरू लिखना ना भुलना। सब का धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।